ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। 60 संसदीय विधानसभा के लिए 31 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसका भाग्य आज वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा। राज्य में 28,13,478 मतदाता है। चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे। मतदान के लिए 31,000 मतदान कर्मियों को 3,327 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। वोटिंग से एन वक्त पहले टिपरा मोता सुप्रीमो प्रगोद किशोर माणिक्य देव बरवा ने 16 फरवरी को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान कर लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वह कभी भी बोबागरा के रूप में वोट नहीं मांगेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को एक रैली में त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंचस्थ ने कहा कि कई नेताओं ने भोजन, आश्रय और शिक्षा से वंचित गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की उनकी भावना को समझे बिना उन्हें छोड़ दिया है। बता दें कि टिपरा मोथा त्रिपुरा की 60 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी दंगल में खड़े हैं, जबकि गठबंधन सहयोगी IPFT को 5 सीटें दी गई है। हालांकि IPFT ने 6 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वाम कांग्रेस गठबंधन में वाम मोर्चा के 47, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार है। इसके अलावा टिपरा मोथा पार्टी ने 42, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 28 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 58 निर्दलीय और विभिन्न छोटे दलों के 14 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। कुल मिलाकर 60 सदस्य विधानसभा के लिए 31 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 259 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राज्य में CRPF की 400 कंपनियां भेजी गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।